नमस्कार फरीदाबाद, मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें, आरपीएस सवाना के पास खड़े हैं, के आर मंगलम जो है स्कूल पढ़ता है, यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ से सड़क जो है, इधर दिखा दे एक बार, यहाँ से जो के आर मंगलम स्कूल है उसके सामने से सड़क जो है वो आरसीसी है। आगे तक खेड़ी पुल तक आप देखेंगे तो आरसीसी सड़क है, और इसके बाद जो है एक कंक्रीट की सड़क बनाई जा रही है, तारकोल वाली सड़क बनाई जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। कल जो है सड़क बनाए गए, अभी जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके का हालात है और कौन से गुणवत्ता के साथ बनाई गई है। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बातचीत करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट लगती है वहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष जी, कैसी बन रही है सड़क? ये सब कंपनी बना देते हैं, रात बनाई है, सवेरे सारी उखड़ गई, पूरी उखड़ी पड़ी यहाँ से वहाँ तक। हाँ, इस तरीके से देखिए, ये क्या, ये रोड, ये तारकोल नहीं है, पानी है, पानी। जी, क्या नाम आपका? इंदिरा कोठारी। इंदिरा जी, कैसी सड़क बन रही है? सर आप देखो ना कितनी बढ़िया बन रही है। इसमें तारकोल नहीं है, ये देखो पानी है, ये देखो हाथ में लो तो तारकोल नहीं है, पानी है, देख सकते हैं। देखिए तारकोल जैसे भी बनाई है, पहले तो 15 साल में बनाई है और वो इस हालत की बनाई है। उसके बाद 4 दिन बाद अभी इसको फिर उखेड़ देंगे। पहले ही उखड़ी पड़ी है क्योंकि अभी इनका सिविल लाइन नहीं डली, नाली का कोई अता पता ही नहीं है बनेगी कि नहीं बनेगी। कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो महाराणा प्रताप के आगे स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पीडब्ल्यूडी में फंसा पड़ा है, पेड़ कटे नहीं है, ट्रांसफार्मर हुए नहीं है। मतलब अभी जो कि इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए इन्होंने इस तरह की वो चादर बिछा दी है। क्या नाम आपका? विशाल। विशाल जी, कैसी बन रही सड़क? रोड का आपको पता ही है, अभी बना दी, 2 दिन में ये हाल है, तो आगे जाके क्या होगा? दो दिन मतलब तारकोल बिछाते हुए 2 दिन हुए हैं, तो 2 दिन में ये हाल है। आगे जाके क्या, ये तारकोल है, कुछ भी नहीं है उधर से। मैडम 2 दिन से जो भी है आप ये बताओ, जो वहाँ पर जितनी चौड़ाई थी, वहाँ पर जितनी चौड़ाई थी, वहाँ चौड़ाई चौड़ाई रोड की चौड़ाई पहले बात 15 साल में आप डिस्टेंस देख सकते हो कितनी चौड़ाई है, कितना गया, बहुत कम है यार। किसी भी हादसे को ये कुछ भी कर सकते हैं, हादसा हो जाए के रोड बन गया, स्पीड से कोई बंदा आ रहा है, गया वो यहाँ नहीं होगा, वो हॉस्पिटल में ही होगा। ये लापरवाही है, लापरवाही है। अभी ये हालत देखें, ये बीचों बीच सड़क के खड़े हैं हम, और ये देखें, ये देख सकते हैं अभी कब डाली गई थी ये? रात को डाली है, मगर रात को डाली गई सड़क जो है 2 दिन भी नहीं चल पाई, मतलब समझे कि सुबह तक आते आते जो है ये उखड़ गई। देख सकते हैं 10 घंटे भी नहीं हुए अभी, और ये हालत आप देखें पीछे तक जो है ऐसी सड़क है। ये पैच लगाएंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, पैच लगाएंगे, करते रहेंगे, फिर उखाड़ते रहेंगे, बस यही होना, कुछ नहीं करना, ये पैच करेंगे बस ना जी। क्या नाम आपका? सुरेश शर्मा। शर्मा जी, कैसे कहेंगे, कैसी सड़क बन रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, रोड बना रहे हैं कि वैसे ही गिट्टी डाल रहे हैं, सूखी गिट्टी है, इसमें कोई तारकोल वारकोल कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं ये तो। और कहते हैं अगर ये गलत हो रहा है कि नहीं ऐसी बनेगी, पैसा नहीं मिला है, अभी पैसा नहीं मिला है, पैसा मिलेगा बाद में तो हम ऐसी ही बनाएंगे। भाई कह रहा था, बड़ी बात है, कौन कह रहा था? लेबर कह रही थी, लेबर यहाँ पे पैसा नहीं मिला, हम ऐसे ही बनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला, सड़क जो है ऐसे ही बनेगी। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गजेंद्र सोलंकी है। सामने ये दुकान है, ये मार्केट वाले लोग हैं, और पिछले 10 साल से इस रोड का बनने का इंतजार कर रहे थे। आखिर में ये कल ये शाम को रोड बनी, लेकिन दुख की बात यह है कि सुबह उठ के देखते हैं तो टूट गई। तो आरसीसी क्यों नहीं बनवाते आप इसको? आरसीसी बनवाइए। अरे सर, आरसीसी नहीं, काली ही बनी, 4-5 साल तो चले, ऐसी तो बनाए, पर ये तो एक रात भी नहीं चली, इसका कोई जवाब देगा? आगे तो आरसीसी बना दी, आगे आरसीसी बनाइए, आगे सीमेंटेड है, आगे सीमेंटेड बनी है, और यहाँ पे ये तारकोल प्रोजेक्ट था, ये भी प्रोजेक्ट था, आरसीसी था, लेकिन ये तारकोल बिछाई और इतनी घटिया तारकोल देख लो आप। ठेकेदार को बुला लो यहाँ पे, तारकोल ये पानी है भाई, ना तो मोटाई है, ना चौड़ाई है, ना लंबाई है। देख सकते हैं फरीदाबाद, आपको देखिए लोग जो है सड़क को जाम कर रहे हैं क्योंकि गुणवत्ता जो है वो सही ना होने की वजह से। देख सकते हैं सड़क का हाल आप देखें, ये देख सकते हैं फरीदाबाद। आपको बता दें हम जो मझावली के लिए रास्ता जाता है के आर मंगलम स्कूल के पास है, के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल के पास हम मौजूद हैं, और उसके सामने सड़क जो है आरसीसी है, और उससे थोड़ा सा आगे आएंगे फरीदाबाद तो वहां से जो सड़क है वो कंक्रीट की बनाई गई है, तारकोल वाली सड़क बनाई है, लेकिन गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता सर आपके माध्यम से ठेकेदार बुलाओ। नंबर है आपके पास? मेरे पास तो नहीं अभी नंबर। देख सकते हैं फरीदाबाद तमाम लोग जो है मार्केट यहाँ पर इकट्ठा हुई है। जी, क्या नाम आपका? सोनू सूर्या। सौरभ जी, कैसी बन रही है सड़क? बहुत बढ़िया बन रही है, देखो आपके आगे बहुत नई एकदम, आपके आगे देखो 6 साल चलेगी ये मोल गए
25-30 सौ में चल जाएगी, हिसाब से बना रहे हैं। देख सकते हैं, देखो हालत आप दिखा 25 ये देखो ये 25-30 सौ चल रही है सड़क, ये देखो ये सड़क है, ये भाई सब तारकोल है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, ये चलेगी, तारकोल भी नहीं है। देख दिखा दे फरीदाबाद आपको, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, धूल धो के जा रही है पब्लिक के आंखना, मिट्टी धूल धो के जा रही है, ये दिखा के, ये दो दिन में खत्म हो जाएगी, दो दिन में। लोकसभा चुनाव सर पे है, विधानसभा चुनाव जो है जब तो काली कर रहे हैं इसको, बहुत पहले होती, जल्दी चुनाव आ रहे हैं काली कर रहे हैं इसको, चुनाव आते नहीं है खत्म हो जाएंगे रोड खत्म, पेट्रोलम मिट्टी खाती मिट्टी खाए रोड पे, क्या कर रहे मिट्टी खा रहे, देखो लोग और मिट्टी खा के बीमार हो गए रोड से। 112 को कॉल कर दो एक बार, ताकि पता चले ठेकेदार को भी, देख लेना सड़क जाम कर रहे हैं, देख सकते हैं फरीदाबाद सड़क जाम हो रही है, देखे क्योंकि गुणवत्ता सही ना होने की वजह बर्बादी हो रही है, पब्लिक के पैसे की बर्बादी हो रही है, सारा टैक्स पब्लिक भरती है और दुखी भी सारा दिन पब्लिक ही होती है, कोई नेता दुखी नहीं होता, तो या तो रोड बढ़िया बने, में 2 साल लग गया इसको, सारी मार्केट का काम डाउन पड़ा है यहाँ पर, पूरा रोड बंद पड़ा और ये 2 साल बाद रोड बन रही है इस तरह की। खेड़ी रोड की कहानी आपको याद ही होगी कैसे बनी थी, बता दे फरीदाबाद आपको, केआर मंगलम वाली बता दे फरीदाबाद आपको, देख सकते हैं सड़क जाम कर दी गई है, क्यों, क्योंकि सड़क की गुणवत्ता सही ना होने की वजह से तमाम लोग जो है सड़क पर आ गए हैं, देखें एक बार, देख सकते हैं आपको दिखा दें, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर देखिए सड़क पर आ गए हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं आप तमाम लोग जो है सड़क को जाम कर दिया है, देख सकते हैं फरीदाबाद आप, जो खेड़ी कला के लिए रास्ता जाता है, जो मझावली के लिए रास्ता जाता है, उस सड़क पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ये पूरा रोड उखड़ा पड़ा है, रात उबराते सवेरे उखड़ जाता है, रात उबराते सवेरे उखड़ जाता है, मजाक कर रखा कोई, सारा सारा का सारा दौर वो हो रहा है घोटाला, गोलमोल सारे पैसे को गोलमोल करते हैं, इसको रोड बना रात बनाया सवेरे उखड़ गया, देख सकते हैं सड़क की गुणवत्ता सही ना होने की वजह से तमाम लोग जो है सड़क पर उतर गए हैं, देख सकते हैं आप, और ये देखें जाम लग रहा है यहाँ पर, और तमाम ये लोग जो हैं, जो मार्केट यहाँ मार्केट है, तमाम दुकानदार जो हैं सड़क पर आ गए, मैडम जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या इससे दुकानदारी ठप हो गई, बिल्कुल 5-6 महीने से बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई, ऐसी दुकान बना के बैठे हुए, रोड है नहीं, कौन आ रहा है यहाँ पर काम कराने, अब तो रोड बना दी, कहाँ बनाई है आप देख लो, अगर रोड बनाई होती तो आपको बुलाना पड़ता, ये काम करना पड़ता हमको, मंत्री आ जाएंगे वो वोट लेने की है, जो बना दी रोड, क्या बनाया आपने रोड, हमें पहले हम वोट भी जब ही देंगे जब ये रोड बनेगा बिल्कुल तरीके से, देखिए देख सकते हैं जी, इस रोड के लिए 10 साल इंतजार किया है यहाँ के लोगों ने, और कल शाम तक सब खुश थे जब रोड बना, लेकिन सुबह इसको इसकी हालत देख के दुखी हो गए कि ये एक रात में ही टूट गया, जिससे हम उम्मीद कर रहे थे 5-7 साल ये रोड कम से कम चलेगा, हमारा भी जो है कुछ तरक्की होगी, हमें भी कुछ आने जाने में सहूलियत होगी, लेकिन ये एक रात में रोड टूट रहा है, तो इसका आपके सामने है, आपके कैमरे के सामने, बहुत अच्छी बात है हमारी रोड बन गई, पब्लिक आएगी जाएगी, हमारा भी व्यापार बढ़ेगा, लेकिन हमने तो सुबह के देखा यहाँ जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, सड़क में भ्रष्टाचार फरीदाबाद दिखा दें आपको, देख सकते हैं, देखिए कंक्रीट दिखा दे एक बार और आगे भी दिखाएंगे आपको, देखिए मतलब तारकोल की जो तारकोल लगाना चाहिए था, एक बार देख सकते हैं यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, ये देखें तमाम लोग सड़क पर जो है यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखें, ये देख सकते हैं किस तरीके की ये सड़क बनाई गई है, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, और तमाम लोग यहाँ पर सड़क पर बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप जी, सड़क सही बन रही है सर, देखो जी काम तो चल ही रहा है, चलते हुए काम में कभी भी कोई दिक्कत आ सकते उसे जो हुई है, गुणवत्ता सही नहीं है ना, देखिए तो उसके लिए अफसर इंक्वायरी करेंगे इसकी, जो भी अगर दिक्कत आई उसके लिए करेंगे, लोगों की मांग है ना, मांग अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क बनाई होनी चाहिए, और हमारे टैक्स के पैसे से बनती है, लोग आपके सर जनता के टैक्स के पैसे से बनती है, और अच्छी से अच्छी सड़क बनेगी, और जो भी दिक्कत होगी वो विधायक जी से कह के इसकी इंक्वायरी करवाते हैं, देख सकते हैं तमाम लोग एक बार, देखे यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, सड़क को जाम कर दिया है, देख सकते हैं फरीदाबाद आपको बता दें, अभी हम जो मौजूद हैं आरपीएस सवाना के पास हम मौजूद हैं,
जो कि जो जो रास्ता मझावली के लिए जाता है, जो खेड़ी कला के लिए रास्ता जाता है, वहां पर मौजूद है। और तमाम लोग जो है, देखें आप यहां पर ठेकेदार बुलाओ, ठेकेदार आपके माध्यम से ठेकेदार को यहां पे हाजिर होना है तुरंत। रोड का ठेकेदार जल्दी से जल्दी पहुंचे, रास्ता नहीं खुलेगा। देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर, जो यहां के दुकानदार हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं, देख सकते हैं आप। और देखें यहां पर अभी 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 यहां पर जो है, जो लेबर बैठी थी, जो रोड बनाने वाली लेबर बैठी थी, वो भी चली गई है, देख सकते हैं आप यहां पे। और बता दें फरीदाबाद आपको, जो मझावली के लिए रास्ता जाता है, जो भी दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें कि यहां पर सड़क बनाई जा रही है, जो मझावली से मझावली के लिए सड़क जाती है, खेड़ी पुल से जो मझावली के लिए सड़क जाती है, उस सड़क पर मौजूद है। और उस सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जा रहा है। तमाम लोग अगर देखेंगे पीछे, देख सकते हैं आप पीछे तमाम लोग यहां पर खड़े हैं, इस चीज का सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सड़क को सही बनाया जाए। कब तक बैठेंगे भाई साहब? जब तक यहां का कॉन्ट्रेक्टर जो रोड बना रहा तब तक वो नहीं आएगा, तब तक यहीं बैठेंगे आज। कोई कॉन्ट्रेक्टर फोन नहीं उठा रहा, ना ही इधर आने का कोई। कहां कहां गड्ढे हुए हैं वैसे आप चेक कीजिए, पूरी रोड पे गड्ढे हैं। ये यहाँ से ये गड्ढे हैं, वो सामने नजर आ रहे हैं, देखो वो सामने। चलिए एक बार चलिए दिखाएं। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने यहाँ के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे यहाँ के सांसद राजे सांसद किशन पाल गुजर जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस बात का संज्ञान लें और देखें कि ये आखिर हो क्या रहा है। हम उनसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं और उनके नाक के नीचे ये गलत काम हो रहे हैं, इस प्रकार की सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे आम पब्लिक बहुत ज्यादा आहत है, दुखी है। देख सकते हैं जितनी गाड़ियां हैं वो वापस जा रही हैं। लोगों में सिर्फ यही है, इनकी मांग यही है, दिखा दे कि जो सड़क की गुणवत्ता है वो सही किया जाए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर यहां पर बात करने के लिए आए, या फिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है यहां पर बात करने के लिए आए लोगों से। देखें यहां पर तमाम लोग जो है, देखें ये टंकी, बड़ी बड़ी टंकी जो है लगा दी है, रोड को जाम कर दिया है, देख सकते हैं फरीदाबाद आप। खेड़ी कला के लिए जो रास्ता जाता है वहां पर हम मौजूद है और यहां पर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है, क्योंकि रोड की गुणवत्ता सही नहीं है, सड़क की गुणवत्ता सही नहीं होने की वजह से सड़क पर जो है तमाम लोग यहां पर आ गए हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब सड़क सही बन रही है? इसीलिए तो जाम कर रखा है इन्होंने। उधर बहुत बुरा हाल है, उधर ये एकदम टायर तो स्लिप चलती ही नहीं है। तोड़ जाएगी सड़क, उस टाइम तक चलेगी सड़क, चलती कहाँ सड़कें ज्यादा यहाँ। देख सकते हैं सड़कें चलती कहाँ हैं, लोग ये बोल रहे हैं, जो राहगीरी हैं वो देखें यहाँ से वापस हो रहे हैं, जो आने जाने वाले हैं। अब प्रदर्शन जारी है, टंकी देखें फरीदाबाद, टंकी लगा दी गई है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं गाड़ी वापसी हो रही है सारी, हर रोड का यही हाल है, रात को बनाते सुबह उखड़ जाता है, बहुत अंधेर गर्दी मचा रखी है इस सरकार ने। हाँ, ये आम जनता का पैसा है जिसका ये मिसयूज कर रहे हैं। हिसाब देना चाहिए ना कि आपका टैक्स कहाँ कहाँ खर्च किया। मोदी जी यहाँ पे आए थे, जब मोदी जी यहाँ पिछली बार आए थे आधा घंटे में रोड बन गया, एक घंटे बाद उखड़ गया, मोदी जाने का एक घंटे बाद में उखड़ गया। ये वो है रोड बना रहे, पोचा लगा रहे हैं। अरे प्रोजेक्ट पास होते 15 साल में तुमने पास करा हुआ है, उसके बाद में भी आपने ना इस रोड को कूटा गया है, बस डाल के माल पड़ा रहा है 10-15 दिन, उसके बाद अपना रोड बनाना शुरू कर दिया है, कुछ दिनों बाद ही इसके नीचे बैठने लग जाएगा। रोलर आया था? रोलर नहीं आया, रोलर चलाया ही नहीं है इस पे, रोड पर रोलर चलाया ही नहीं है, सिर्फ पानी डाला है, कंक्रीट डाली है और ऊपर दिखाने के लिए काला काला वो डाल दिया है बस, कि कोई आए देखे यहाँ रोड बन गई। कब तक जाम लगाएंगे भाई साहब? भैया जब तक गाड़ी सुनाई नहीं देगा नहीं आ जाएगा, इसका निर्णय ना हो जाए तब तक कोई कह नहीं सकता। या तो इसका समाधान करो, नहीं तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमारी भी तो रोजी रोटी रुकी पड़ी है जी। देख सकते हैं आप, देखिए लोगों के अंदर
इस चीज का जो है गुस्सा है कि सड़क जो है सही नहीं बनाई जा रही है। देख सकते हैं आप, देखें एक बार, दिखा दें एक बार, देखिए सड़क की ये कंक्रीट जो है ऊपर ऊपर ये देख सकते हैं आप, और तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हाँ जी देख सकते हैं, बाकी जोड़ेंगे फरीदाबाद ऐसी तमाम खबरों से। अब देखने वाली बात होगी कि सड़क को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो है